हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे अ आ ई ई। अब तक आपने पढ़ा होगा ऐसे अनार आसे आम। ये क्लास फर्स्ट की है, परिवेश क्लास फर्स्ट, न्यू कोर्स है 2022 का, हिंदी वर्णमाला है अभ्यास पुस्तिका। तो ये देखिए, ये बीबा की है। चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। हिंदी में इनको वर्णमाला कहते हैं, इंग्लिश में इनको अल्फ़ाबेट कहते हैं। आपके बच्चों को ज़्यादातर तो यही आता होगा, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। काफ़ी पेरेंट्सों की शिकायत रहती है कि आपके बच्चे को आ ई ई बोलना नहीं आता है। अगर ऐसा नहीं आएगा तो वो हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे। तो हिंदी पढ़ने के लिए इसको सही से बोलना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आप अपने बच्चे को जब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल बहुत कम पढ़ाते होंगे, ए बी सी डी बच्चे को इस तरह से ज़्यादा याद होंगी। ए फॉर एप्पल आप नहीं पढ़ाते होंगे ज़्यादातर। तो इसी तरह से हमें इसको भी बच्चे को पढ़ाना चाहिए जिससे कि बच्चा हिंदी पढ़ सके। उसी प्रकार से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी इसी प्रकार से इसको यूज़ करते हैं। आप ए फॉर एप्पल बोलेंगे तो आपका बच्चा ए डबल पी एल ई एप्पल इस तरह से नहीं बोलेगा, आपको ए फॉर एप्पल या कोई वर्ड होगा और जैसे कि बी ए डबल एल होगा तो आपका बच्चा बॉल एप्पल फिर इस तरह से बोलेगा। तो इसलिए आपको ये सही से पढ़ाना होगा। इसलिए हमें हिंदी में भी उसी तरह से बच्चे को रीड कराना चाहिए जैसा कि हम इंग्लिश में कराते हैं। ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ाकर ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से हमें इसको भी पढ़ाना चाहिए और जिससे कि बच्चा हमारा हिंदी पढ़ सके। तो इनको हम स्वर बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अ इसको बोलते हैं अ आ। आप आवाज़ में अंतर देखिए, इसको हमने दबा के बोला, इसको हमने उठा के बोला। अ आ ई ई ऊ ऊ रे ए ए ओ औ अंग अंग। आप देख रहे होंगे मैंने किस तरीक़ा से बोला। आपको अगर इस पर पर्सनल अलग से वीडियो चाहिए इसका पूरे का तो मैं अलग से भी बनाकर दे दूंगी। उसके बाद हम आते हैं व्यंजन वर्ड पे। तो व्यंजन होते हैं ये व्यंजन वर्णमाला, तो इसको बोलते हैं, इसको हम थोड़ा दबा के बोलते हैं, छोटा सा ही बोलेंगे, खींचेंगे नहीं ज़्यादा। इनको हम खींच के बोलते हैं, इसको हम खींचते नहीं हैं। तो इसको बोलेंगे क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल ब श श श ह छ त्र ग श्र। अब तक आपके बच्चे बोलते होंगे ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। तो वो छोटी क्लास में चलता है। बच्चा आपका फर्स्ट क्लास में आ चुका है, अब आपके बच्चे को हिंदी पढ़ना सिखाया जाएगा तो आपको अपने बच्चे को इसी तरह से पढ़ाना होगा। तो चलिए एक बार और बता देते हैं। अ आ ई ई ऊ ऊ रे ए ए ओ औ अंग गह। इसको बोलते हैं अंग गह। क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल ब श ष ह छ त्र ग श्र। इस तरह से आपको ये पढ़ना है। चलिए कुछ वर्ड पढ़ लेते हैं, इसके पेच आगे पढ़ाते हैं। तो कुछ वर्ड हैं जो इन्हीं वर्डों से यूज़ किए गए हैं। जो ऊपर जो व्यंजन थे और स्वर थे तो उनका ये कॉम्बिनेशन है। स्वर जो मात्राओं में यूज़ होते हैं, व्यंजन जो मात्राओं के साथ वर्ड में यूज़ होते हैं कोई भी नया शब्द बनाने के लिए। ये मात्रा के लिए यूज़ होता है। तो अ का कोई भी मात्रा नहीं होती, उसकी केवल लाइन होती है। इस तरह से हम ऊपर ये लाइन करते हैं, इस तरह से मात्रा होती है। और आ की एक डंडा मात्रा होती है। ई की पीछे से यूं करके मात्रा होती है, पहले अच्छा लिखा होता है फिर उसके बाद मात्रा होती है। चलिए आपको बताती हूँ किस तरह से
इसमें कोई मात्रा इस तरह की नहीं है। तो पहले अक्षर लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे से मात्रा चढ़ाते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए परी, जैसे प लिखेंगे फिर ई पीछे चढ़ाएंगे तो परी हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर बड़ी ई की हम पहले मात्रा चढ़ाते हैं फिर अक्षर लिखते हैं, इस तरह से। पहले अक्षर नहीं है, पहले मात्रा है इसका, ये दूसरे वाला अक्षर देखिए, ये वाला। तो इस तरह से कुछ होता है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इनको बोलते हैं स्वर, ये होते हैं व्यंजन, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन किया, मिलाया तो इनको शब्द बना दिया। पहले है अ प्लस ब, अब ई प्लस स, इस उ प्लस ण, उड़, र प्लस ण, ऋण, ए प्लस स, एस, ओ प्लस र, और इस तरह से आप इनको पढ़ सकते हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।